सूर्य के 12 भाव, यानी कि सूर्य का 12 भाव में किस प्रकार का नेचर होता है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य को पहले भाव से। यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं तो नेचुरल सी बात है कि सूर्य का अपना हाउस है, फर्स्ट हाउस जो है वो सूर्य का होता है, तो इसमें सूर्य जो है शुभ फल ही देते हैं। तो मैं आपको बताने जाऊंगी कि प्रथम भाव में जब सूर्य है, यानी फर्स्ट हाउस में जब सूर्य है, तो वो क्या क्या शुभ परिणाम देते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में सूर्य है तो सबसे बड़ी बात है सूर्य लॉर्ड है, सूर्य का अपना घर है, तो सूर्य बहुत ही शुभ परिणाम इस घर में देते हैं। सबसे पहले जीविका का साधन जो है वो इस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, उसको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट अप्रोच रहता ही रहता है, क्योंकि स्वयं का हाउस जो है वो सूर्य का है। दूसरा आपको बताना चाहूंगी कि सूर्य जो है वो एक इस प्रकार का नेचर होता है, जैसे कि अपनी आंखों देखी बात पर ही सूर्य जिनके प्रथम हाउस में है वो भरोसा करते हैं, अन्यथा वो कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये खास बात है, सूर्य फर्स्ट हाउस वालों का सबसे बड़ा नेचर यही होगा कि ये कभी भी किसी की कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करते जब तक ये चीजों को देख ना ले। ये सबसे बड़ी क्वालिटी सूर्य फर्स्ट हाउस वालों में होती है। दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट हाउस में जिनका सूर्य होता है कहीं ना कहीं उनको छोटी मोटी हानि देखने को मिलती है, लेकिन जहां भी वो लोगों में बैठते हैं अपना आधिपत्य अपना स्वामित्व बनाकर ही खड़े होते हैं। तो ये थी सूर्य फर्स्ट हाउस वालों की बात। आगे के वीडियो में मैं आपको सूर्य के सेकेंड हाउस के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। तीसरे भाव के सूर्य, अगर कुंडली में तीसरे भाव के सूर्य हैं तो इसके बारे में मैं आज आपको बताए देती हूँ कि तीसरे भाव का सूर्य जो होता है इंसान में ऐसी शक्ति पैदा करता है कि वो अपने बौद्धिक रूप से ही अपने लिए जीविका के साधन जुटा लेता है। दूसरा, तीसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो गणितज्ञ और ज्योतिषी बहुत अच्छा होता है, ऐसा पर्सन जिसके तीसरे भाव में सूर्य होते हैं। और साथ के साथ एक तीसरे भाव के सूर्य वाले व्यक्ति में देखा गया है उनके कई भाई बहन होते हैं, मतलब उनकी फैमिली में उनके भाई बहन या उनकी फैमिली में जो उनके नेटिव्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फैमिली काफी बड़ी मिलती है तीसरे भाव के सूर्य वाले को। और तीसरे भाव के सूर्य में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये गणितज्ञ तो बहुत अच्छे होते ही होते हैं, साथ में बौद्धिक क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शायद आपको किसी भी ग्रह में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था तीसरे भाव के सूर्य के बारे में। चौथे भाव के सूर्य, तो चौथे भाव में अगर सूर्य हैं तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि चौथे भाव के सूर्य जो हैं ये बहुत ही अच्छे माइंड के व्यक्ति होते हैं, बड़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता बुद्धि क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है। दूसरा मैं आपको बताने जाऊंगी, चौथे हाउस में जिनके सूर्य बैठे हैं ये बहुत अच्छे से धन अर्जित कर लेते हैं, यानी कि धन की अगर बात करें तो इनके पास धन काफी अधिक होता है। और कहा जाता है कि चौथे भाव में सूर्य वाला मरण उपरांत या मृत्यु उपरांत ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन और विरासत छोड़कर जाता है। आय का चाहे साधन जो है इनका एक ही होगा, स्रोत एक ही होगा, लेकिन इनके पास जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है और जो विरासत जो इनके पास जो है चौथे भाव के सूर्य वाले के पास आपको मिलती है। और मैं आपको बताने जाऊंगी कि चौथे भाव में जिनका सूर्य है उनकी आंखें थोड़ी कमजोर होती हैं, तो जनरली देखा जाता है चौथे भाव के सूर्य वाले जो होते हैं उनकी आंखें थोड़ी कमजोर ही पाई जाती हैं। तो ये था चौथे भाव के सूर्य के बारे में। पंचम भाव में सूर्य, यदि पंचम भाव में सूर्य हैं तो व्यक्ति निश्चित ही सूर्य की कृपा पाने वाला तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों में समृद्धि, इनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं, संतान की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे पहले देखा गया है कि सूर्य पंचम भाव वालों में संतान होने में, संतान उत्पत्ति में देरी बहुत होती है। दूसरा देखा गया है कि इनको लोक जनित जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा आती हैं। दूसरा एक चीज मैं आपको बताने जाऊंगी कि सरकारी लाभ इनको उतना प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगी कि इनके घर में नॉर्थ में किचन जो है वो बहुत जरूरी है होना, सूर्य पंचम भाव वालों के नॉर्थ में किचन होना बहुत जरूरी है, और हो सके तो ये एक समय जो है किचन में खाना जो है वो जरूर खाएं। पंचम भाव वाले सूर्य में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति भी जो है वो रहती है, ज्यादातर देखा गया है कि पंचम भाव के जो सूर्य होते हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति भी देते हैं, थोड़ा विलंब दे देते हैं। यदि सूर्य छठे भाव में हो तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, छठे भाव का जो सूर्य होता है वो जातक को एक कहते हैं सुंदरता लिए हुए होता है ऐसा व्यक्ति, और जीवन साथी भी जो है उसका बहुत अच्छा होता है। और कंपैरेटिवली सूर्य छठे भाव का जो व्यक्ति है वो जीवन साथी को अपने जैसा यानी अपने समान मानता है,
छठे भाव का जो सूर्य है ये हेल्थ से जो है ये अच्छा नहीं रहता है, कई लोगों की हेल्थ जो है इसमें अफेक्ट होती है। ज्यादातर देखा गया है कि छठे भाव के सूर्य वाले अगर सूर्य शुभ स्थिति में भी हैं तो इनका भाग्योदय जो है वो 48 साल के बाद ही होता है, खासकर सूर्य जहां है छठे भाव में बैठे हैं। तो इनके लिए मैं एक बात कहूंगी कि क्रोध भाव जो है वो थोड़ा सा कम करें, जिन जातकों का सूर्य छठे भाव में देखा गया है अगर ये क्रोध कम करते हैं तो इन्हें फायदा होगा। तो ये थी छठे भाव के सूर्य की बात। सूर्य सप्तम भाव, सूर्य सप्तम भाव में है तो कहते हैं कि राजा के दरबार में मंत्री जैसे पद की प्राप्ति। अगर सूर्य सप्तम भाव में आपकी कुंडली में है तो इसको बोला जाता है कि राजा के दरबार में मंत्री के पद जैसी प्राप्ति करता है ऐसा इंसान। तो सातवें भाव में, अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो ऐसा जरूर होता है, अंतहीन वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति के धन की। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अंतहीन धन को पाता है, लेकिन इस व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है सप्तम भाव के सूर्य वाले की तो देखा गया है कि किसी भी विवाद में या मुठभेड़ में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु संभव है सप्तम भाव के सूर्य वाले की। दूसरा मैं आपको बताने जाऊंगी कि सप्तम भाव का सूर्य वाला जो व्यक्ति होता है इसको चरम रोग यानी स्किन की प्रॉब्लम भी जो है वो अन्यथा देखी गई है सप्तम भाव के सूर्य वालों में। तो इन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी कि सप्तम भाव का सूर्य जिनका है वो नमक का उपयोग जो है। सूर्य अष्टम भाव, अगर सूर्य अष्टम भाव में है तो जातक को कहा जाता है कि अगर सूर्य अष्टम भाव में शुभ है तो 22वें साल में सरकार के द्वारा नौकरी तो निश्चित है कि सूर्य अष्टम भाव वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है और उसके पुण्य भी लगभग राजा की तरह ही होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है दयावान और पुण्यकर्मी जरूर होगा सूर्य अष्टम भाव वाला। तो अष्टम भाव वाले सूर्य में ये गुण तो होता ही होता है, वो आपको स्वयं ही देगा 22वें साल में नौकरी भी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है पुण्य बहुत करता है, कई बार इसको अपने पुण्य के चक्रों में नुकसान झेलना पड़ता है अष्टम भाव वाले सूर्य को। तो अष्टम भाव वाला सूर्य कई बार अपने अच्छे होने का भी नुकसान भुगतता है, क्योंकि अधिकता उसके अंदर एक राजा वाली होती है कि सबका मान करके चलने वाला। और अष्टम भाव का जिस व्यक्ति के अंदर अष्टम भाव वाले सूर्य बैठे हैं ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है और अपने पर। नवम भाव वाले सूर्य, नवम भाव वाले सूर्य का जो जातक होगा बड़े अच्छे स्वभाव वाला होता है, अच्छे परिवार वाला होता है, अच्छी फैमिली वाला होता है। लेकिन देखा गया है कि नवम भाव के सूर्य वाले व्यक्ति का 34 साल के बाद ही भाग्योदय होता है। देखा गया है कि जहां नौवें भाव में सूर्य बैठे हैं 34 साल के बाद ही इनको भाग्योदय मिलता है। और दूसरा इनको मैं बताना चाहूंगी कि नवम भाव में जिनका सूर्य है चांदी की अधिकता अगर रखेंगे तो इनको बहुत फायदा मिलता है नवम भाव के सूर्य वालों को। तो ये था नवम भाव का सूर्य। दसम भाव का सूर्य, दसवें भाव में सूर्य है तो काफी अच्छा बॉडी फिट रहता है ऐसे पर्सन का, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, सरकारी लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है और अमूमन सरकारी जॉब भी जो है ऐसे व्यक्ति के पास होती है। नौकर चाकर, घर गृहस्थी बहुत अच्छा सुख रहता है दसम भाव के सूर्य वाले का। दसम भाव में एक चीज देखी गई है कि इन लोगों के घर में अगर इनके पिता हैं या तो उनकी मृत्यु बचपन में ही हो चुकी होती है, या अगर नहीं है तो लंबा सुख ही अपने पिता का भोगते हैं दसम भाव के सूर्य वाले। और देखा गया है कि जातक को नीला और काला रंग पहनना जो है दसम भाव के सूर्य वालों को बहुत पसंद रहता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि नीला और काला रंग जो है दसम भाव के सूर्य वाले को जो है वो कभी भी नहीं पहनना चाहिए, और मैं कहूंगी अवॉइड करना चाहिए। तो ये था दसम भाव का सूर्य। ग्यारहवें भाव का सूर्य, ग्यारहवें भाव का सूर्य में जो जातक होता है जिसकी कुंडली में ग्यारहवें भाव में सूर्य है ऐसा व्यक्ति परिवार का मुखिया ही कहलाता है। अमूमन ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा होने के पश्चात मुखिया ही होता है, चाहे वो छोटा हो भाई बहनों में चाहे वो बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति मुखिया का रूप लेता है यानी कि परिवार को चलाने वाला। ऐसे व्यक्ति की हमेशा देखा गया है ग्यारहवें भाव के सूर्य वाले की तीन संतान यानी तीन पुत्रों का योग जो है वो ग्यारहवें भाव के सूर्य वाले में देखा गया है। और ग्यारहवें भाव के सूर्य वालों को मैं एक चीज बोला जाऊंगी, अगर ये नमक का सेवन कम करते हैं अपने खाने में तो ग्यारहवें भाव का सूर्य वाला व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है, क्योंकि ये अपने इरादों का पक्का होता है। तो ये थी ग्यारहवें भाव के सूर्य की बात। बारहवें भाव का सूर्य, बारहवें भाव का सूर्य जो है वो अच्छा कहलाता है अगर इसके साथ कोई और ग्रह ना बैठे हों।
और अमूमन देखा गया है कि 12वें भाव के सूर्य वाला व्यक्ति 24वें साल से ही धन कमाना शुरू करता है या 24 साल के बाद। ऐसे व्यक्ति जिसके 12वें भाव में सूर्य है उसकी कमाई के साधन अनेक होते हैं, यानी कि मल्टीटास्कर भी ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसका 12वें भाव में सूर्य बैठा है। सरकार वाला दंडित तो जरूर होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है दंड का कारक देखा गया है, लेकिन अगर कोई और ग्रह ना हो तो दंड के जो कारक है वो कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने गले में चांदी की चेन हमेशा पहन के रखे तो कभी भी सरकार द्वारा दंडित नहीं होता, और व्यापारी ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छा माना। चंद्रमा पहला भाव, अगर चंद्रमा पहले भाव में है तो ये लोग काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और दूसरा सरल स्वभाव होने के साथ साथ काफी बलशाली भी होते हैं, काफी पावरफुल भी होते हैं। चंद्रमा प्रथम भाव वाले व्यक्तियों का स्वभाव काफी सरल होने के साथ साथ बहुत सारी नई नई चीजों खोजने के शौकीन भी ये लोग पाए जाते हैं। दूसरा, चंद्रमा फर्स्ट भाव वाले को म्यूजिक का, गाना सुनने का, सिंगिंग का, गाना गाने का काफी शौक जो होते हैं चंद्रमा पहले भाव वाले व्यक्ति को होते हैं, और चंद्रमा पहले भाव वाला जो होता है काफी सरल स्वभाव का व्यक्ति जो है चंद्रमा पहले भाव का बनाता है। तो ये था चंद्रमा पहले भाव। चंद्रमा द्वितीय भाव, चंद्रमा द्वितीय भाव में जो होता है तो ये काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो खुद लक्ष्मी के भाई है। कहते हैं द्वितीय भाव में चंद्रमा जो होता है बहुत अच्छा फल देता है, और द्वितीय भाव जिनका चंद्रमा होता है वो काफी सुंदर, शांति प्रिय और नेक इंसान माने जाते हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत धन और संपत्ति को एकत्र कर लेता है, और चंद्रमा सेकंड भाव में होने के कारण जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी धन, यानी कि उसके पास धन और लक्ष्मी परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। तो ये था चंद्रमा द्वितीय भाव। तीसरे भाव का चंद्रमा, तीसरे भाव का चंद्रमा जो होता है वो तीसरे भाव वालों को इतना पराक्रमी, और जिसको कहते हैं कि परिक्रमी इतना होता है कि वो अपने पराक्रम से ही सब कुछ हासिल कर लेता है। तीसरे चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं वो अच्छी काया वाले लोग होते हैं, और ये लोग एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि आप एक अच्छा व्यक्तित्व लिए वाले जो लोग होते हैं तीसरे भाव के चंद्रमा वाले होते हैं। ये कुछ भी हो बनाना, तीसरे भाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा बना लेते हैं और सदैव धन से परिपूर्ण रहते हैं। हाँ, एक बात है कि तीसरे भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति का जो जीवन है थोड़ा सा धीरे विलंब से चलता है, यानी कि शादी के बाद ही ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तो ये था चंद्रमा तीसरा भाव। चंद्रमा चौथे भाव का व्यक्ति काफी उदार और खूबसूरत माना जाता है। अपने उदार हृदय के कारण ही बहुत दयालु और बुद्धिमान भी जो है चंद्रमा चौथे भाव वाला व्यक्ति पाया जाता है। चंद्रमा चौथे भाव का व्यक्ति अपने कामों को स्वयं कर दूसरों की हेल्प ना लेकर जो है वो इसे करने में सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। ये है चंद्रमा चौथे भाव का। चंद्रमा पंचम भाव, चंद्रमा पंचम भाव का व्यक्ति बहुत ही भावुक और बुद्धिमान और धैर्यवान भी होता है। ऐसा जातक थोड़ा चंचल स्वभाव का जरूर माना जाता है, लेकिन सदाचारी और क्षमतावान जो है चंद्रमा पांचवें घर का व्यक्ति माना जाता है। इसको सारे कार्य जो है वो शीघ्रता से करने की जरूरत होती है, और ये काफी मीठा बोलता है। तो ये था चंद्रमा पंचम भाव का। छठे भाव का चंद्रमा, छठे भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव का जो चंद्रमा होता है वो काफी कफ, कोल्ड या नेत्र विकार जैसी प्रॉब्लम जो है, वात या नेत्र की प्रॉब्लम जो है वो छठे भाव का चंद्रमा काफी देता है। और देखा जाता है कि छठे भाव का चंद्रमा जो है वो आयु भी थोड़ी कम देता है, जिसको कहते हैं कि अल्पायु देने वाला जो होता है वो छठे भाव का चंद्रमा होता है। ऐसे जातकों में काफी धैर्य तो होता ही है, पर ये कभी हार नहीं मानते हैं। अपनी हेल्थ से परेशान होने के कारण ये थोड़ा थोड़ा फिर भी टाइम टू टाइम जो होता है अपने आप को रिवील करते रहते हैं। तो ये था छठे भाव का चंद्रमा। चंद्रमा सातवां भाव, चंद्रमा सातवें भाव का व्यक्ति स्वभाव से बहुत धैर्यमान और पेशे से व्यापारी ही ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि सातवें घर का जो चंद्रमा है वो आपको स्वभाव से सभ्य तो बनाता है पर साथ साथ व्यापारी भी बनाता है, और व्यक्तित्व ऐसे बंदे का बहुत आकर्षक होता है। ऐसे जातकों को व्यापार और रिलेशनशिप और कई मामलों में ऐसा व्यक्ति सफलता और थोड़ा भावुक ज्यादा माना जाता है। तो ये था चंद्रमा का सप्तम भाव। चंद्रमा अष्टम भाव, अष्टम भाव का चंद्रमा जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। हाँ, व्यापार में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ईर्ष्या की मात्रा जो है वो इन लोगों में काफी ज्यादा अधिक मानी जाती है।
चंद्रमा अष्टम भाव में जब होता है तो जातक व्यापारी तो होगा, व्यापार का लाभ भी मिलेगा, लेकिन अपने ही नेचर के कारण इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मानी जाती है और ये लोग काफी आत्मसम्मान वाले भी होते हैं, जिससे कि काफी सारे लोगों के ग्रुप में ये लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो ये था चंद्रमा अष्टम भाव। चंद्रमा नवम भाव। चंद्रमा नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी विद्वान, साहसी और साहस प्रिय व्यक्ति होता है चंद्रमा नवम भाव वाला। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्राकृतिक प्रेमी होते हैं और इनके कार्य में अगर रुकावटें आ भी जाएं तो ये अपनी रुकावटों को दूर कर अपने रास्ते पर अड़े रहते हैं और सदा संपत्तिवान बने रहते हैं। चंद्रमा दशम भाव। चंद्रमा दशम भाव का व्यक्ति जो होता है वो लोक हितैषी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है सर्वगुण संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के पास मकान, धन, दौलत, स्त्री, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा दशम भाव वाला होता है ये अपने पिता के ऋणों को चुकाता है। दशम भाव का चंद्रमा जो है वो पिता के ऋणों को चुकाता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में परिवर्तन करता रहता है। वह जितना परिवार पर अपने व्यापार के अंदर परिवर्तन लाता है उतना ही वो ग्रो करता रहता है। तो ये था चंद्रमा दशम भाव। ग्यारहवा भाव में चंद्रमा। ग्यारह भाव में चंद्रमा जो होता है वो जातक को काफी चंचल बनाता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है धन से परिपूर्ण रहता है, लेकिन वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता रहता है और उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, चंद्रमा ग्यारहवें भाव के व्यक्ति को थोड़ा सा व्यवसाय में जो है वो कठिनाइयां जो है वो आती रहती हैं। तो ये था ग्यारहवें भाव का चंद्रमा। बारहवें भाव का चंद्रमा। बारहवें भाव का चंद्रमा जो होता है जिसका भी हो वो नेत्र रोगी तो होता ही है, साथ साथ ऐसा लोग जो है वो स्थान परिवर्तन बार बार करते हैं, उन्हें घूमना फिरना जो है बहुत पसंद आता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एकांत प्रिय माना जाता है। ऐसे लोगों को अलग अलग स्थानों पर घूमना बहुत पसंद होता है क्योंकि वो एकांत प्रिय होते हैं। तो ये था बारहवें भाव का चंद्रमा। मंगल प्रथम भाव। मंगल प्रथम भाव का जो व्यक्ति होता है काफी शारीरिक मजबूत होता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका बॉडी लैंग्वेज जो होता है सदा ऐसा बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक मुखी इंसान होता है, कभी भी डबल माइंडेड नहीं रहता ना ही दो मुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक मुखी रहता है और मंगल पहले भाव वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा लालिमा रहती है। तो ये था मंगल पहले भाव का कि इसमें ये चीजें जो है वो जरूर ही होती हैं कि पहले भाव वाले मंगल का जो चेहरा है ऐसे व्यक्ति का हमेशा लालिमा लिए हुए होता है। तो ये था मंगल प्रथम भाव। मंगल द्वितीय भाव। मंगल द्वितीय भाव में जब होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफी कड़वाहट लिए हुए होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कड़वे जो वर्ड्स हैं उनका यूज करता है और कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद सफलता मिलती है और काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद ही धन मिलता है, क्योंकि मंगल इतनी मेहनत करवा देता है इनसे कि काफी मेहनत के बाद ही इन्हें धन अर्जित होता है। तो ये था मंगल का द्वितीय भाव। मंगल तृतीय भाव। मंगल तृतीय भाव यानी कि मंगल तीसरे घर में हो जब तो भाइयों से हमेशा अनबन कराता है। मंगल तृतीय भाव जो होता है ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल पे ही सब कुछ बनाता है, यानी कि अपने बल पर अपने सेल्फ से भी वो सारी चीजों को बनाता है, उसमें वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। मंगल तृतीय भाव जो होता है वो भाइयों का ही कारक माना जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है तृतीय भाव का जो मंगल है वो छोटे भाई बहनों से अनबन करवाता है, यानी कि छोटे भाइयों से अनबन कराता है तृतीय भाव का मंगल। चतुर्भाव का मंगल यानी कि चौथे घर का मंगल। चौथे घर का मंगल जो होता है माता और माता के सुख का कारक माना जाता है चतुर्भाव के मंगल को। अब चतुर्भाव में देखा गया है कि माँ का सुख तो मिलता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर ही रहना पड़ता है। चौथे घर का मंगल जो है वो आपको जन्म स्थान से दूर रखता है और या तो उसका कार्य क्षेत्र ही जन्म स्थान से दूर माना जाता है। तो ये था चतुर्भाव का मंगल। पंचम भाव का मंगल। पंचम भाव का जो मंगल होता है वो आपको पुत्र भाव का ही मंगल कहा जाता है, यानी कि पुत्र भाव का मंगल चौथे घर का मंगल जो होता है उसको हमेशा बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जैसे ही इनका पुत्र या तो ये प्रथम संतान जो है अपने घर के माने जाते हैं चौथे घर के मंगल वाला, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द जो है वो गुस्सा जो है वो आ जाता है और संतान में काफी देरी रखती है और ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षित व्यवहार और लुक का माना जाता है
चौथे भाव और पंचम भाव का मंगल जो होता है इनमें भी, पर स्पेशली जो पंचम भाव होता है उसमें बहुत आकर्षित ऐसे लोग जो होते हैं विपरीत लिंगियों से भी इनका जो आकर्षण जो होता है वो ज्यादा बना रहता है। तो ये था पंचम भाव का मंगल। छठे भाव का मंगल, छठे भाव का जो मंगल है उसको रोग और शत्रु भाव माना गया है कुंडली में। और छठे भाव का जो मंगल होता है, इस भाव में मंगल आपको नौकरी से काफी परेशानियां जो है वो हमें दे देता है। और वही नौकरी की परेशानियों से जो आदमी काफी गुस्से में रहता है और धैर्यवान बिल्कुल नहीं रह पाता। कई मामलों में धैर्य तो जो है वो उनका काम कर जाता है और काफी प्रशंसा भी इनको दिलवा देता है इनका धैर्यवान होना। तो ये है छठे भाव का मंगल। सप्तम भाव का मंगल, सप्तम भाव का जो मंगल है वो विवाह का कारक भी कुंडली में जो है वो माना गया है। लेकिन देखा गया है कि सप्तम भाव में मंगल होने के कारण विवाह में भी विलंब पैदा होता है। यानी कि सप्तम भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो विवाह में भी किसी न किसी प्रकार से रुकावट या देरी मानी जाती है। देखा गया है कि सप्तम भाव के मंगल को दुख का कारण भी माना गया है। तो सप्तम भाव का मंगल किसी भी प्रकार से, चाहे वो नौकरी का दुख हो या आपके जीवन साथी के साथ आपकी इच्छी नहीं चल रही है, तो इसका भी जो कारक है वो सप्तम भाव का मंगल ही माना जाता है। तो ये था सप्तम भाव का मंगल। अष्टम भाव का मंगल, अष्टम भाव का मंगल अगर देखा जाए तो कुंडली में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं लाता है। अष्टम भाव का जो मंगल होता है वो स्थितियां जो है वो बहुत आपके परिणाम स्वरूप जो है वो स्थितियां नहीं आती, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल जो होता है वो अच्छे परिणाम देता ही नहीं है किसी भी स्थिति में। तो ये था अष्टम भाव का मंगल। नवम भाव का मंगल, नवम भाव का मंगल जो होता है वो हमारी कुंडली में भाग्य भाव को दर्शाता है। यानी कि नवम भाव का मंगल जो होता है वो हमारा भाग्य होता है। यहाँ स्थिति मंगल की ये बनती है कि जातक को कुछ सफलता मिलने पर या अधिक सफलता प्रदान करने वाला जब ये मंगल हमें दे देता है तो हमें बहुत ज्यादा अभिमानी बना देता है। कई बार ऐसा मंगल इतना अभिमान दे देता है कि आपने जितनी भी तरक्की की हो या नवम भाव के मंगल वाले ने, तो ये कहीं ना कहीं आपको डाउन टू ला देता है सिर्फ आपके अभिमान के कारण। तो ये था नवम भाव का मंगल। मंगल दशम भाव, मंगल दशम भाव का जो होता है ये कर्म और विद्या भाव भी जो है हम दशम भाव के मंगल को कहते हैं। मंगल ग्रह जब दशम भाव की स्थिति में आ जाता है तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत धनवान बनाता है, जिसके कारण हम गुणवान भी बन जाते हैं और काफी धन भी कमाते हैं। कई बार हमने देखा है कि मंगल जो दशम भाव का है वो आपको कुलदीपक की भूमिका भी निभवाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति कुलदीपक भी कहलाता है। तो ये था दशम भाव का मंगल। एकादश भाव का मंगल, एकादश भाव का मंगल जो होता है वो हमारी कुंडली में आय भाव भी हम इसे कहते हैं। एकादश भाव का मंगल जो है वो हमें आय तो बहुत अच्छी देता है। ये ऐसे पूर्ण जीवन में काफी साहसी जीवन और काफी घूम फिर के व्यापार करने वाला जो है एकादश भाव का मंगल जो है वो हमें बनाता है। एकादश भाव के मंगल यानी ग्यारहवें घर का मंगल जो है वो हमें एक चीज और बताता है। ये हमें बहुत साहसी होने के कारण ऐसे व्यक्तियों में राजसी गुण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति केवल राजसी जीवन ही जीते हैं। ये था एकादश भाव का मंगल। द्वादश भाव का मंगल, द्वादश भाव यानी कि बारहवें घर का जो मंगल है वो हमारा व्यय भाव होता है। तो बारहवें घर का मंगल जो होता है वो हमारा व्यय भाव का मालिक होता है। तो ऐसे में स्थितियां जो है मंगल जो है अधिकांश जो हमारा भाग रहता है कर्जदार, जो कर्ज की स्थिति जो है वो बारहवें घर का मंगल जो है कर्ज की स्थितियां जो है वो जातक को काफी ज्यादा देता है। तो जिनका बारहवें घर में मंगल हो विशेषकर इनकी कर्ज की स्थितियां जो है बनी रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का फिजूल खर्च जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये था द्वादश भाव का मंगल। प्रथम भाव का बुध, अगर प्रथम भाव में आपके बुध है तो उसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ कि ये भाव जो है बुध के घर का भाव माना जाता है और अति शुभ ये जो है बुध जो है खाना नंबर 1 में माना जाता है। अब कहते हैं बुध खाना नंबर 12 में जब होता है तो वो आपको एक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता और वाक चतुरता जो है वो हमें बुध जो है प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में पद प्रतिष्ठा का जो होता है वो जो पाना चाहता है वो पाता है। इस घर में बुध जो है वो बहुत ही फायदे देने वाला आपको माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में सफलता ही प्राप्त करता है बुध खाना नंबर 1 में अगर हो, यानी कि बुध खाना नंबर 1 में।
तो ये थी बात बुध खाना नंबर एक की। बुध खाना नंबर दो, तो जब बुध खाना नंबर दो की हम बात करें या खाना नंबर दो में जब बुध विराजमान होता है तो कहा जाता है कि ऐसा जातक जो है बहुत बुद्धिमान, कुशल और अच्छा वक्ता जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो माना जाता है। अब ऐसा भाग बोला जाता है कि जब बुध खाना नंबर में दो में बैठा हो तो कहते हैं अपनी सारी योजनाओं को फलीभूत करने वाला, यानी कि बुध खाना नंबर दो में जब बैठे हो तो योजनाएं भी फलीभूत होती हैं और ऐसा जातक हमेशा खोया हुआ धन जो है उसको प्राप्त कर लेता है। और अपने घर में जब ये विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति संगीत शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता भी माना जाता है और कहा जाता है कि कुछ लोग नॉर्मल लाइफ में संगीत प्रेमी भी कहलाए जाते हैं, जिनको संगीत सुनने की जिसको कहते हैं शौक या उनका अपना पैशन होता है। तो ये था बुध खाना नंबर दो। तृतीय भाव का बुध, अब अगर बात तृतीय भाव की बुध की करते हैं तो जब तृतीय भाव में बुध विराजमान होता है तो ऐसा मतलब माना जाता है ज्योतिष में कि बंधु बांधु यानी कि अपने भाई बहनों का स्नेह तो बहुत अर्जित करता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा स्नेह का पात्र रहता है, पर उसके द्वारा निर्णय लिए गए जो होते हैं ना वो फलीभूत भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कई बार रूढ़िवादिता का शिकार जो है ऐसा व्यक्ति हो जाता है बुध खाना नंबर तीन का। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को विदेश में प्रवास, घूमने फिरने की पद्धति, बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति जो है विदेशों में घूमना पसंद करता है और कई बार देखा गया है कि बुध खाना नंबर तीन का व्यक्ति विदेश में भी प्रवास भी करता है। तो ये थी बुध खाना नंबर तीन की बात। चतुर्थ भाव में बुध, अब बात करते हैं चतुर्भाव में जब बुध विराजमान होते हैं तो ऐसे में हम बोलते हैं बुध व्यक्ति को स्वाभिमानी और जिसको कहते हैं कुशल वक्ता, यानी कि इस तरीके का वक्ता होता है कि वो अपने किसी भी कार्य को कुशल रूप से चला लेता है, ये बुध खाना नंबर चार में खासियत होती है। अब ऐसे व्यक्ति की अगर बात करें तो बाहुबली भी ऐसा व्यक्ति जरूर कहलाता है, क्योंकि धन मकान और वाहन ये बंदा अपने हिसाब से बुध खाना नंबर चार वाला खुद ही अर्जित करता है। अब ऐसे में बोलते हैं शिक्षण लेखन पठन पाठन, यानी कि हर तरीके से ऐसा व्यक्ति प्रशासनी होता है। तो ये थी बुध खाना नंबर चार की बात, लेकिन अच्छी सफलता वाली बात ये है कि बुध खाना नंबर चार वाला अपनी सफलता को खुद अर्जित करता है। तो ये थी बात बुध खाना नंबर चार की। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर पांच, यानी कि बुध अगर पंचम भाव में बैठा है तो ऐसी कुंडली में हम बोलते हैं विराजमान बुध जो है किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। अब पंचम भाव का बुध जो है अगर वो पंचम भाव में आपकी कुंडली में विराजमान है तो किसी भी वरदान से कम नहीं माना जाता। यदि आपने ऐसा जातक देखा हो या आपकी कुंडली में भी स्वयं हो तो आपने ये गुण अपने आप में देखे होंगे कि संगीत का और ललित कलाओं का प्रेमी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत माना जाता है। अब कहा जाता है कि बुध पंचम भाव का अगर ऐसा जातक साधारण परिवार में भी जन्म लेता है उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जो है अपनी योजनाओं और अपने दिमाग पर अपने बल पर ऐसा व्यक्ति साधारण परिवार से भी उच्च कोटि का जीवन जो है वो जीता है। ये थी खाना नंबर पांच के बुध की बात। आइए बात करते हैं खाना नंबर छह के बुध की बात, यानी कि अगर खाना नंबर छह में बुध बैठे हैं तो कहा जाता है कि ऐसा बुध जो है वो मिले जुले प्रणाम देता है, जिसका मतलब कभी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है इन लोगों को देखने को मिलती है। माना जाता है कि अगर छठे भाव में बुध बैठा हो तो अगर विदेश की बात करूं तो ऐसा जो जातक होगा या जिसके खाना नंबर छह में बुध विराजमान है ऐसा व्यक्ति बाहर भी प्रवास करता है, यानी कि बाहर भी जीता है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु के रूप में उभरते हैं और कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पढ़े लिखे शत्रु, यानी कि जनरली देखा जाता है कि सहकर्मी भी, यानी कि जो आपके साथ भी काम कर रहे हैं, इस प्रकार के भी शत्रु जो है इनके जीवन में उभर के आते हैं। खाना नंबर छह की बात अगर कहा जाए तो अगर बुध या मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो तो ये प्रभाव जो उतार चढ़ाव है वो थोड़े कम हो जाते हैं अगर इन तीन राशियों में हो, लेकिन इन लोगों की साथ जो ये घटनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार जरूर होती हैं, क्योंकि बुध खाना नंबर छह में जो होता है वो जीवन में मिश्रित फल ही। आइए बात करते हैं अब सप्तम भाव के बुध की, यानी कि बुध खाना नंबर सात की। अगर बुध खाना नंबर सात में अगर आपकी कुंडली में है तो जन्म कुंडली के इस भाव में अगर बुध विराजमान हो रहा है तो ऐसे में कहा जाता है कि शुभ फल ही प्रदान करता है, लेकिन जातक व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता नहीं हासिल कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी से अच्छी सफलता हासिल भी कर लेता है, पर देखा गया है कि व्यापार में थोड़ी स्थिति जो है वो इसकी धीमी रहती है। अब देखा जाता है कि कई बार बुध खाना नंबर सात में
ऐसा बंदा प्रसिद्धि होता है, काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, दूसरा प्रशासनिक जॉब को भी लेता है और प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, लेकिन ऐसे बंदे में अहंकार, यानी कि ऐसे जातक में अहंकार की मात्रा थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है, जिस कारण इनके कामों में नुकसान हो जाता है। तो ये थी खाना नंबर 7 के बाद। आइए बात करते हैं अब अष्टम भाव के बुध की। अगर बुध खाना नंबर 8 में यानी अष्टम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जो बुध जो इस खाने में बैठा होता है तो काफी मिला जुला प्रभाव देता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे घर में बैठा यानी अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध जो है वो शारीरिक जो क्षमता है वो थोड़ी कमजोर रखता है, शारीरिक थोड़ा सा उसको परेशानियां रहती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अष्टम भाव का बुध जो है वो चर्म रोग देता है, आपको पेट की समस्या देता है, हड्डियों के रोग देता है अष्टम भाव का जो बुध है, और स्वास्थ्य से इनको काफी जो है जूझना पड़ता है। इस घर में जो बुध विराजमान है, कभी कभी देखा गया है कि कुछ केसेस में जो ये स्वास्थ्य को अच्छा देते हैं, अन्यथा ये प्रॉब्लम्स तो जो है बुध खाना नंबर 8 के साथ जुड़ी रहती है। सुख तो प्राप्त होता है, भौतिक उपलब्धियों का सुख भी देता है, लेकिन बुध जो है खाना नंबर 8 में संस्कारी संस्था से या सरकारी संस्था के साथ जुड़ा रखता है। तो ये थी बुध खाना नंबर 8 की बात। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 9 की, यानी कि नवम भाव के बुध की बात अगर हम करते हैं, तो ऐसा जो खाना नंबर 9 में जो बुध विराजमान है, ये बहुत बड़ी ख्याति देता है जीवन में, जिसको बोलते हैं कि अच्छा बेहतरीन सफलता भी जो है ये बुध खाना नंबर 9 का जो है वो देता है। प्रकाशन, प्रशासन, कुशल वक्ता होना ऐसा व्यक्ति के लिए अमूमन माना ही जाता है कि होगा ही होगा। अब ऐसे में कहा जाता है कि बुध खाना नंबर 2 में अगर विराजमान हो तो ये दोगुना फल जो है व्यक्ति को दे देता है। तो ऐसे में बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण तो करता ही करता है, साथ ही साथ ऐसा बंदा जो है विदेश कंपनियों में यानी विदेशी कंपनियों पर बड़े बड़े पदों पर आसीन माना जाता है। तो ये थी बुध खाना नंबर 9 की बात। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 10 की बात, यानी कि दशम भाव के बुध की बात अगर की जाए, तो ऐसे भाव में जो बुध विराजमान होता है तो कहा जाता है कि ऐसा जातक को मिलनसार और प्राकृतिक प्रेमी, न्यायप्रिय और न्याय का पालन करने वाला और कुशल प्रशासक माना जाता है। बुध खाना नंबर 10 की बात करें तो परिवार में, चाहे भले किसी सामान्य परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म लेता हो या किसी भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर का, जिसको कहा जाता है कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाता है। यदि ये अपनी राशि में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े योग बनाता है, बड़े बड़े कार्य करता है, और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की जो ख्याति है वो दूर दूर तक मानी जाती है। तो ये थी खाना नंबर 10 भाव के बुध की। आइए बात करते हैं एकादश भाव का बुध यानी 11वें घर के बुध की बात। अब 11वें घर में अगर बुध को देखा जाए तो ऐसा जातक जो होता है बहुमुखी प्रतिभा का मालिक, यानी कि मल्टीटास्कर ऐसा व्यक्ति जो होता है और बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, सफलताओं के शिखर तक पहुंचता ही पहुंचता है 11वें घर का बुध। कुशल गणितज्ञ और अच्छा ज्योतिष भी जो है वो 11वें घर के बुध वाला व्यक्ति जो है अमूमन माना जाता है। अपने घर में अगर विराजमान हो बुध तो देखा जाता है कि बड़े बड़े स्तर का व्यापारी जो है ऐसा व्यक्ति जो है देखते ही देखते बन जाता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की चाहने वालों की लंबी लाइनें, जिसको कहा जाता है कि हमेशा लगी रहती है। संगीत का बहुत प्रेमी माना जाता है, जिसको कहते हैं कि अंबार, अति अपार संपदा का मालिक जो है वो 11वें घर का बुध जो है माना जाता है। तो ये थी 11वें घर की बुध की बात। आइए बात करते हैं अब द्वादश भाव के बुध की, यानी कि 12वें घर के बुध की। अब 12वें घर की बुध की अगर बात करें तो यहाँ विराजमान बुध जो है बड़ा ही अप्रत्याशित होता है, जिसको कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में इतने उतार चढ़ाव की अधिकता होती है, पर यात्राओं का अधिक प्रेमी, ऐसे व्यक्ति को यात्राओं का प्रेमी, धार्मिक कार्यों का प्रेमी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 12वें घर के बुध वाले मंदिरों में, कार्यालयों में, और आपकी जो अंधबधिर लोग जो होते हैं इस टाइप के, या आपके आश्रम्स हो गए, ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा दान करने वाला भी 12वें घर के बुध को माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत होता है, या फिर अपने स्वयं के बल पर विदेश में प्रवास करता है। तो ये थी 12वें घर के बुध की बात।